और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबर के साथ। राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर ने कक्षा 12वीं के कला वाणिज्य व विज्ञान शिकाय का परिणाम घोषित किया, जिसमें भवानी मंडी की आत्मनिर्भर क्लासेस पर अध्ययनरत 15 छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं संकाय में 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। संस्थापक हेमंत सुमन, मोहम्मद अल्ताफ और मयंक सुमन ने सभी विद्यार्थियों का माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं इनका भव्य जुलूस भी निकाला गया। हानिया बी डॉक्टर ऑफ मोहम्मद एजाज ने 94%, दीपिका विश्नोई डॉक्टर ऑफ नामनिवास विश्नोई ने 93.40%, हर्षिता जैन डॉक्टर ऑफ धर्मचंद जैन ने 93.40%, भूमिका वरुण डॉक्टर ऑफ राजू वरुण ने 91.80%, राजशीष द्विवेदी डॉक्टर ऑफ अनुप द्विवेदी ने 90.7%, प्रांजल सक्सेना डॉक्टर ऑफ प्रवीण सक्सेना ने 90.40%, विशाल सुतार सन ऑफ गोपाल लाल सुतार ने 90.40%, प्रज्ञा पाटीदार डॉक्टर ऑफ महेश पाटीदार ने 90.20%, मोनिका कुमारी डॉटर ऑफ नंदराम प्रजापति ने 90%, अमरीन गोरी सन ऑफ अब्बास अली ने 90%, साक्षी मानली डॉटर ऑफ महेश कुमार ने 90% अंक प्राप्त किए। क्या नाम है आपका? हर्षिता जैन। क्या सब्जेक्ट था आपका? बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या प्रसिद्ध है आपको? 93.40। किसको शेयर देंगे इस मेहनत को लेकर? माता पिता और टीचर्स, कोचिंग में इनके सपोर्ट था, उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया हमें। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। हेमंत सर और मयंक सर का बहुत अच्छा रहा, मतलब कभी भी उनको फोन लगाओ तो बता देते थे, कभी मतलब कभी भी यू नहीं करा उन्होंने कि नहीं बताए। आपका नाम बताएं? मेरा नाम हानिया। आज रिजल्ट आया है आपका, कितनी परसेंटेज आपकी बनी? 94 बनी। तो किसको देते हैं इसका श्रेय? सभी टीचर्स को ज्यादा, और आत्मनिर्भर क्लासेस जिसने मेरा साल भर सपोर्ट किया, इतना अच्छा मोटिवेट किया, और मेरे पापा को भी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, एक मौका दिया आगे बढ़ने का, जिसका इस मुकाम पर पहुंची हूँ, जिसके खातिर मैं सबको श्रेय दूंगी, मेरे टीचर्स, मेरे माता पिता और आत्मनिर्भर क्लासेस। आत्मनिर्भर क्लासेस के सर के बारे में क्या कहेंगे आप, किस तरह से? सबने मोटिवेट किया, सबसे ज्यादा हेमंत सर, वो भी मोटिवेट सबसे ज्यादा ही करते हैं। हाँ, मैंने साल भर में यहाँ तक की मार भी खाई, लेकिन सबसे सीखने को भी मिला। बस सब तो क्या बनना चाहोगी आगे भविष्य में? मैं आगे सबसे इन सबसे प्रेरणा लेके मैं भी एक लेक्चरर बनना चाहूंगी। आपका क्या नाम बेटा? शेर खान। शेर खान, कितनी परसेंटेज आपकी बनी है? 83.80। क्या लगता है आपको, किसको श्रेय देंगे आप इसका पूरा? इसका श्रेय मैं पूरा मेरा दो टीचरों को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हमें सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, व्यवहार भी करना सिखाया है, और कैसे कैसे आगे बढ़ना ये भी बताया है, समय समय पर टेस्ट लिए, हमारी परेशानियाँ दूर करी। वाले आदमी को कोचिंग क्लासेस से पढ़ा हूँ, और अभी 12th पास करी, 88.60% बनी है। इसका जो सर्वप्रथम अपने टीचर्स को और उसके बच्चा मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ, और मेरे माता पिता का भी बहुत योगदान है मेरी पढ़ाई में। नाम क्या? मेरा नाम कुनकुन है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। मेरी 87.80% बनी है। मेरे गुरुओं को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, ताकि उन्होंने मेरे को पढ़ाया है, और ऐसा पढ़ाया है कि एक फ्रेंड अपन दूसरे फ्रेंड को पढ़ाता है, इसलिए मैंने इतनी अच्छी परसेंट बनी है, और मैं मेरे माता पिता को धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपका नाम बताएं? प्रतीक्षा। आप क्या कितनी परसेंटेज बनी? 88%। क्या कहेंगे आप? कहना चाहूंगी अपनी मेहनत पे, खुद पर और ऊपर वाले पर विश्वास रखें, और मेरे माता पिता का बहुत सपोर्ट रहा, और मेरे काम मेरे टीचर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा पाटीदार। क्या परसेंटेज है आपकी? 90.20। क्या लग रहा है आपको, किसको श्रेय देंगे आप? सबसे ज्यादा तो टीचर्स और पेरेंट्स को देंगे। क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे? नाम बताए बेटा आपको? मेरा नाम अमरीन गोरी है, मेरे 12th में अभी 90% बनी है। इसका क्रेडिट पूरा आत्मनिर्भर क्लासेस के टीचर्स को, हेमंत सर, अल्ताफ सर, मैन सर, दानिश सर को जाता है, और मेरे पेरेंट्स को जाता है। सभी टीचर्स बहुत ही मोटिवेट रखते थे हमें, और बहुत ही हेल्पफुल थे, हमेशा डाउट्स क्लियर करते थे। सबसे पहले अपना नाम बताए? मेरा नाम दीपिका बिश्नोई है। आज आपका रिजल्ट आया है, किसको श्रेय देंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो मेरा रिजल्ट आया है, इसका श्रेय मैं आत्मनिर्भर क्लासेस के स्टाफ को देना चाहती हूँ, विशेषकर अल्ताफ जी सर को, जिन्होंने मुझे समय समय पर मोटिवेट करा था, सपोर्ट करा, और मेरे पेरेंट्स को भी देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी कोचिंग संस्थान की स्टडी करने के लिए भेजा। भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? मेरे को IIT बनना है। और क्या संदेश और बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? और बच्चों के लिए यही है, अपने एक फोकस में एक लक्ष्य बनाओ, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करते रहो, उसको फोकस में रखो और स्टडी करो। आपका नाम बताया बेटा? क्या नाम है? क्या सब्जेक्ट रहा आपका? साइंस में।
अच्छा ही है। क्या परसेंटेज बनी आपकी? 91.88। तो क्या किसको शेयर देंगे आप इसको लेके पढ़ाई को? ये तो मैं अपने मम्मी पापा को और विशेष तौर पे आत्मनिर्भर कोचिंग को, हेमंत सर को, मयंक सर को, अल्ता सर को, इसका मतलब एक एक चीजों को इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करना, वीकली टेस्ट लेना, मंथली टेस्ट लेना, साथ साथ मोटिवेशन, इसका मतलब जिस उन्होंने मंथली टेस्ट लिए तो उससे हमारी कमजोरियाँ सामने आई, उनकी क्या छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, बहुत अच्छा है। इसका मैं अपने मम्मी पापा को आत्मनिर्भर शेयर। आपका नाम है? कैसा लग रहा है आज आपका रिजल्ट आया? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी परसेंटेज बनी? क्या सब्जेक्ट था आपका? साइंस में। क्या कहेंगे आप शिक्षकों के बारे में जहाँ सुन रहे? मेन बात ये है कि किसान परिवार से हूँ, मेरे पापा किसान है, यहाँ आया तो फिर पूरा माहौल ही अलग लग रहा था कि क्या करूँ। फिर हेमंत सर ने और अल्ताफ सर ने बहुत मोटिवेशन किया इससे। अपना नाम बताया? सचिन कुशवाहा। पिता का नाम है रामजी कुशवाहा, माता का नाम है रानी कुशवाहा। मैं यहाँ आत्मनिर्भर कोचिंग क्लासेस पे 2 साल पढ़ा। मैं 11वीं और 12वीं यहाँ, मतलब जो पढ़ाते हैं पढ़ाने का तरीका इनका बहुत अलग है, और जो मतलब जो यहाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना तो सर खुद आप पर्सनली आपको प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, और जो मतलब जो यहाँ पे जो दोनों सर हैं ना वो मतलब सब सारी प्रॉब्लम क्लियर करते हैं। तो आज आपका रिजल्ट आया है, कैसा लग रहा है? कितनी परसेंटेज बनी आपको? 89। इसका श्रेय किसको देंगे आप? सभी गुरुजनों को। क्या कहेंगे, कहाँ पे आपने पढ़ाई कहाँ करी? मैंने स्कूल में भी करी और यहाँ पे भी करी। यहाँ पे सभी गुरुजनों ने हमें अच्छे से पढ़ाया और इनकी समझाने की वजह से हम समझी, तभी तो मैंने लिखा। अगर वो अच्छे समझा देंगे तो फिर शायद फिर तो कौन सी टीचर को आप धन्यवाद देंगे आपके कोचिंग क्लासेस के? कोचिंग क्लासेस की सबसे अच्छी टीचर मैं मनोज सर और दीपक, दोनों सर को दूंगी। दोनों अच्छा मोटिवेट किया? हाँ, दोनों ने बहुत अच्छा सीखा। भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? आज राजस्थान शिक्षा बोर्ड का जो 12वीं क्लास का कला वाणिज्य और विज्ञान का सेंटर का जो रिजल्ट आया है, इसमें जो आपकी कोचिंग क्लासेज है इसके 70% बच्चे पास हुए हैं, साथ ही 15 बच्चों ने 90% प्राप्त कर लिए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों को आज 12th बोर्ड में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की स्ट्रीम में सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि 5 वर्ष से सफलतापूर्वक परिणाम आत्मनिर्भर क्लासेस देता आ रहा है और यह विद्यार्थियों और अभिभावकों का विश्वास है कि लगातार हम 5 वर्षों से सफलतापूर्वक रिजल्ट देते आए हैं। और हमें ये मानना होगा कि जब एक संस्थान लगातार अगर 100% रिजल्ट दे रहा है तो उसके पीछे एक सिस्टम काम करता है, और एक हमारी मजबूत टीम, हमें सभी साथियों की मजबूत टीम, विद्यार्थियों का विश्वास दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से आत्मनिर्भर क्लासेस के साथ है, और हम लगातार इसी प्रकार से पूरे झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी संकायों में और बेहतरीन रिजल्ट देने का तो हमारी कोशिश है। इस बार में हमारे 15 बच्चे 90% से ऊपर लाए हैं, साथ में हमारे 80% से ऊपर जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों संकाय को हम मिलाकर देखते हैं तो 30 से 35 बच्चे हमारे 80% अभाव हुए, जबकि सभी बच्चे 100% रिजल्ट हमारा रहा है, तीनों संकाय में हमारे 100% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। आपका नाम बताएं? जी, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ है। मैं आत्मनिर्भर क्लासेज में सर के साथ में हूँ। हम तीनों जो है कोचिंग का संचालन करते हैं, और आज के जो परिणाम हमारे सामने आए हैं इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो हमारे ऊपर जो एक बच्चों का विश्वास है जो कि पिछले कई सालों से दिन ब दिन बढ़ता आया है, उसके पीछे जो है हम तीनों और हमारे तीनों के अलावा जो हमारा पूरा एक टीम हमारे पीछे काम करती है, उसमें हमारा एक पूरा एक सिस्टम, पूरा मैनेजमेंट कार्य करता है, जिसके अंतर्गत उसी की आज बदौलत है जिससे कि हम ऐसा बेहतरीन परिणाम देने में सक्षम हो पाए। पिछले कई सालों से साल दर साल हमारा परिणाम बढ़ा है, और हम ये प्रयास करेंगे कि हम आगे भी इस परिणाम को क्रमोन्नत रूप से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। मेरा नाम मयंक सुमन है। क्या कहेंगे आप? मैं बोलना चाहता हूँ कि जिसे आज आपने देखा हमारा रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ रहा है, आगामी 5 वर्षों से हम इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, और हमारा मेन उद्देश्य भवानी मंडी क्षेत्र की शिक्षा में एक अमूल परिवर्तन करना है तथा इसको शिक्षा की तीसरी नगरी के रूप में विकसित करना है। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं, और इसलिए भी हम प्रतिबद्ध है कि मिनिमम शुल्क में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा इस भवानी मंडी क्षेत्र में हम प्रोवाइड करा सके। इसके लिए हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत से लगी रहती है, और उसी का ये परिणाम आप सामने देख रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज़।